और पहले हमें बहुत सारे कागज मतलब फोटो स्टेट करने पड़ते थे, बहुत सारे जगह जगह भटकना पड़ता था। इस ऐप के माध्यम से हमें छुटकारा मिला है सर। और आपने एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने तमाम प्रोत्साहन राशियों के और कार्यक्रमों ऐप पे दर्शाती है, जिसके माध्यम से आप सबको अपना पेमेंट। अगला जिला चंपावत ले रहे, चंपावत एक शक्ति है कि हमें कितना इंसेंटिव मिलता है। नमस्कार, चंपावत नाम संगीता तेरी, मैं बालेश्वर वार्ड चंपावत में आशा कार्यकर्ती के रूप में कार्यरत हूँ। इसमें कि जो हमारे इलाके में आम जनता तक जो सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं हमें पहुँचानी होती है, मैं उसके कार्य में कार्यरत हूँ। और इस कार्य के लिए जो हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो हमें आशा संगीनी ऐप के माध्यम से समय पर मिल जाती है। और आशा संगीनी ऐप से जो हमारे बहुत सारे फॉर्मेटर की फोटो कॉपी करानी पड़ती थी, उससे भी हम बच जाते हैं, समय का भी सदुपयोग होता है। और आशा संगीनी ऐप से जो हमारे क्लेम जितने भी क्लेम होते हैं उसका पेमेंट हमें समय पर मिल जाता है। और जो आशा संगीनी ऐप है उससे हमारे समय का भी बहुत सदुपयोग होता है। और जो ये आशा संगीनी ऐप के माध्यम से हम लोगों को क्या कहते हैं हमेशा जो वो काम करने के लिए बहुत ही आसानी हो जा रही है। और जो हमारा पैसा छुटा हुआ होता है इस संगीनी ऐप के माध्यम से हम उस पैसे को अगले महीने जो हमारा पेमेंट होने वाला होता है उसके लिए भी हम अपने उसको जो हमारा पेमेंट बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा कितना पेमेंट आ गया है और कितना पेमेंट बच गया है करके। जो हमारी आशा संगीनी ऐप के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं ठीक है रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच सर। आगे जिले पे चलिए, धन्यवाद। क्या कोई कनेक्शन नहीं सही कर रहा था तो लाइट है सर, ठीक है सब नेक्स्ट पौड़ी जिला पौड़ी सर, आप चंपावत से बोलना चाहते हैं? चंपावत सर, आप माननीय मुख्यमंत्री सबको समझ तो आ गया ना कि आशा संगीनी के ऐप समझाने वालों को आ रहा है हमारा एनपीआर होता है, मासिक आय होता है, वो हम दर्ज कर सकते हैं। और उसमें फॉर्मेटों का जो टू कॉपी करने का जो होता है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट हमें सर ऐसा है, अगर हमारा नेट सही चल रहा है हम टोटल दर्ज करने में केवल हमें 5 मिनट लगते हैं, उसमें हम अपना पूरा एनपीआर दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो एनपीआर है वो हमारे फैसिलिटेटर्स को देख सकती है और उससे आगे वो फिर एएनएम एमवाईसी के बाद सर चला जाता है। और इसके समय का भी फायदा है और टेस्ट का भी फायदा है सर, इसमें हमें काफी फायदा है आशा संगीनी ऐप। ठीक है, हम पौड़ी की ओर चलते हैं। पौड़ी की आशा कृपया अपना परिचय देके सर से वार्ता करना चाहे। पौड़ी बड़ी बोले प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मैं आशा कार्यकर्ती पौड़ी से कभी जने की सभी का उत्तर नंबर 1 पौड़ी प्लस से बोल रही हूँ। आशा संगीनी है लोन के शुभारंभ में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, मिशन निदेशक महोदय जी सबका धन्यवाद करती हूँ। एवं समस्त मंत्री व्यक्तियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज उत्तराखंड राज्य की समस्त आशाएं कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज आशा संगीनी ऐप लॉन्च किया जा रहा है, इसमें हम अपने क्षेत्र के माता
पूछ रहे हैं देते हैं आप लोगों को जो आपका फैमिली है बीच में जो मानदेय बढ़ाया था मिल गया सब लोगों को नहीं मिला ठीक है सर हम आगे चलते हैं सर समय के अब सर हम पिथौरागढ़ को ले लेते हैं सर उसके बाद देहरादून और क्योंकि समय का अभाव है मेरी रिक्वेस्ट है पिथौरागढ़ कृपया एक मिनट के अंदर आप अपना संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से प्लीज नमस्कार मैं पिथौरागढ़ से गीता बिलाल नमस्कार मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को पिथौरागढ़ जनपद की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। गीता बिलाल में पिथौरागढ़ से आशा का चयन 2007 में हुआ था। पहले तो शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए आशा कोई काम दिया गया था लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया आशा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम में आशा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई जब से आशा संगनी ऐप का शुभारंभ हुआ था तब से हमें अपना कार्य करने के लिए सुविधा हुई है और क्या कहते हैं हमें इस ऐप के माध्यम से अच्छा मतलब महसूस हो रहा है कि हम अपने कार्य को कर सकते हैं समय की बचत भी हो रही है और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है सर आप पिथौरागढ़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और सफल समझा आज और ये बेहतर बनने के लिए आज भी मतलब कोशिश कर रहा तुमने करे इसी के साथ सर हमारी देहरादून की आशा यहाँ बैठी है दो देहरादून की आशाएं नीलम और संगीता माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना ई कार्ड इसको ले क्योंकि सर ये एक आईडी होगी सर जिसमें इनका बैंक अकाउंट है ये सर पोर्टल के माध्यम से निकला है और ये हमेशा इनके साथ रहेगा सर ये एक नोशनल है सर इनकी पूरी आईडी है जिसपे इनका परिचय है इनका बैंक अकाउंट है ये कहाँ कार्य कर रहे हैं ये इसके साथ ही सभी उत्तराखंड की आशाओं को ये परिचय पहचान दिया जा रहा है और दिया जाएगा। इसी के साथ अरे सुध भाई आपको आगे लेते हुए मंगा तालियां जल्दी रहनी चाहिए आशाओं को बहुत बहुत धन्यवाद इसी को आगे लेते हुए आई रिक्वेस्ट हमारे मेयर साहब से कि आप पीछे हो जाना आप लोग भारत माता की मोबाइल ऐप पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री माननीय भूम सिंह रावत जी हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय खजान दास जी और पीछे हो जाए हमारे लैंड डाउन के विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार जी प्राचार्य आशुतोष सयाना जी और सभी यहां पर उपस्थित आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप यहां माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री जी जब से माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है ये जो हमारी बिल्डिंग है भव्य बनकर तैयार हो रही है ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी की मेहनत है
जो ये बिल्डिंगें आज यहाँ दिख रही हैं, मुझे लगता है कि चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे फोर्टीज हो, चाहे वेदांता हो, उससे हमारी ये बिल्डिंगें कम नहीं है। और जो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ प्रारंभ हो रही हैं, उससे भी हमारे उत्तराखंड में जो आयुष्मान कार्ड है, तमाम जो स्वास्थ्य संबंधित हमारी एक लाइफलाइन जिसे कहेंगे कि आयुष्मान के माध्यम से जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, उनको आज आयुष्मान के माध्यम से जो है पैसे से उनको कोई जान मान की हानि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य कार्ड से आप जो है लाभ ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति जितना आपने जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, ये सब उत्तराखंडवासी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ाते हुए अपने माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप भारत माता की, भारत माता की। हमारे तुम्हारे मेयर साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ के, हमारे विधायक गली भाई, हमारे सचिव, और आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और आज पूरे प्रदेश की जितनी भी आशा दीदी आपसे जुड़ी हैं, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से और अपनी ओर से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि जब हमारी सरकार बनी थी तब आशा दीदी मुझसे कह रहे थे कि मंत्री जी हमारे तनख्वाह की बहुत दिक्कत होती है, कई बार छह छह महीने में पैसे आते हैं, कई बार साल भर में आते हैं और पता ही नहीं चलता है कि हमको कितने मिलेंगे। तो तब हमने प्रयास किया कि भाई आपको हर महीने आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, और आज बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इसका आज विधिवत मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया है, और अगले महीने से अब आपको हर महीने आपके खाते में जो भी आप काम करें और जो सरकार की तरफ से आपको तनख्वाह दी जा रही है, वो दोनों इकट्ठे आपके खाते में आ जाएंगे। इसलिए एक बार आप मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा दो कि आप अच्छा काम करें। दूसरा, हमारे प्रदेश में 12,018 आशाएं और 606 हमारे आशा फैसिलिटेटर, हम लोग प्रत्येक आशा दीदी को 10,000 रुपए का एक एक टैबलेट देते हैं। लगभग 6,000 आशा दीदियों को तो पहले मिल गए, अब हम 6,355 आशा दीदियों को 10,000 रुपए का एक टैबलेट देंगे और वो सीधे आपके खाते में आ जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी के सौजन्य छापे कार्यक्रम रखेंगे और मुख्यमंत्री जी हाथ से बटन दबाएगा, सबके खाते में 10,000 रुपए आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से तुरंत खरीद सकते, ये लोग ये भी हम कर रहे हैं। और अभी हमारे जो 95 ब्लॉक है, हर ब्लॉक पे आशा दीदियों का एक कार्यक्रम होगा आशा संवाद के नाम से। हमारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वो उस कार्यक्रम में जाएंगे और इस पुस्तक का वहां पे लोकार्पण होगा, और जो आशा दीदी को 57 काम है वो उनको भी पता चल जाएगा कि हमारी सरकार और भारत सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। लेकिन इस साल 2024 तक, जब उत्तराखंड 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा, तो हमने 10 टारगेट रखे हैं स्वास्थ्य विभाग। पहला टारगेट ये लिखा है कि 2024 तक आपको उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है, दूसरा तंबाकू मुक्त करना है, तीसरा संस्थागत डिलीवरी 100% करते हैं, मोतियाबिंद का इलाज सबका फ्री में करना है, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है समय पे उनके बच्चों का टीकाकरण करना है, ऐसे 10 प्राथमिकता हमने रखी। तो ये जो है प्रत्येक ब्लॉकों में कार्यक्रम होंगे, और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो दून हॉस्पिटल है 6 चीजों का लोकार्पण किया है वहां पे। अब हमारा जो दून हॉस्पिटल है इसमें मोटी से लेके डॉक्टरों के आवास से लेके सारी सुविधाएं हमने दी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारा दून हॉस्पिटल जो है अभी तक लगभग 2500 मरीज पर डे देखे, जब ये व्यवस्थाएं पूरी अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे तो लगभग 3000 मरीज से ज्यादा हमारे दून हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं।
जो हमारी 12,000 आशाएं हैं, एक कार्यक्रम हम कुमाऊं में रखेंगे और एक गढ़वाल में रखेंगे, और 6,000 आशा दीदी को उस कार्यक्रम में बुलाएंगे और एक बढ़िया सा कार्यक्रम आशाओं दीदी का भी करेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग गाँव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम पैसे में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और आज सच में जो है आप असली डॉक्टर आप ही गाँव, क्योंकि आप गर्भवती महिलाओं को लाते हैं, उनको घर तक छोड़ते हैं, टीकाकरण में आप आगे बढ़ते हैं, कोरोना में आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये जो पुस्तक है ये एक एक प्रत्येक आशा को देंगे ताकि उनको भी पता रहेगा मेरा काम क्या है, और एक एक प्रधान को देंगे, एक एक बीडीसी मेंबर को देंगे, और दो दो पुस्तकें हमने अपने विधायकों को देंगे ताकि सबको पता रहना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। और एक बार फिर मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर जी धामी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कोटी और आज ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। वही बड़ा शुभ अवसर है कि आशा संगली मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी यहाँ पर अभी शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल रामा जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आर एन कल्याण दास जी, लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप रावत जी, एवं यहां पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री डॉक्टर आर राजेश जी, एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, और जिन पहले मैं तो ये सोच रहा था कि आज केवल आशा बहनों का जो है वेब पोर्टल आशा संगनी ही यहाँ पर लॉन्च होना है, उसी का कार्यक्रम है, लेकिन ये तो आपने सोने पर स्वागत ही कर दिया कि यहाँ पर जो है जहाँ आशा बहनों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, वहीं साथ में उनकी और हमारा जो इमरजेंसी भवन है उसका भी लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी आशा बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये तीन मंत्र कि हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, उसका समाधान करे, उन फाइलों का निस्तारण करे, इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आशा संगनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को, 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संगनी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, या पौड़ी हो, या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे देश के
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। यानी बहुत चीजें जैसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और मैं और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूं, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होके कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले, तो अब मेरे सामने आ गया तो मैं उत्सुकता बस मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जाने में, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहां पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लेडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा और मैं सोच रहा हूं कि चमत्कार से कम नहीं है कि वहां टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहां पर झिल्ली लगी हुई है, कहां पर हटाना है, कहां पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है, तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है डिस्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग हो सकता है वो हम सबको करना चाहिए। और आज हम ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान हमारा तेजी से आगे बढ़ा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी आशा बहनें जो बहुत ही दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कठिन स्थितियों में काम करती हैं और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसकी रीढ़ है, क्योंकि शहरों में तो फिर भी कई जगह पर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जहां पर कोई सुविधा नहीं होती है, जहां पर डॉक्टर भी आसानी से नहीं पहुंच पाते, स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से नहीं पहुंच, वहां अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो हमारी आशा पहुंचती है। और जिनका नाम ही आशा हो, आशा मैं समझता हूं कि जब नाम रखा गया होगा वो इसलिए रखा गया होगा कि आप लोगों को देखकर या आप लोगों का नाम सुनकर मन में आशा आ जाए, मन में जो है एक प्रकार का विचार आ जाए कि नहीं, जो कहते हैं जो निराशा का भाव है वो दूर हो जाए, उसमें उत्साह आ जाए, ऊर्जा आ जाए और साथ में आशा की भावना भी जागृत हो जाए, इसलिए आप सबका नाम आशा रखा हुआ। आप जिस प्रकार से हमारे कठिन स्थितियों में, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो या प्रसव का काम हो, वो जितनी कठिन परिस्थितियों में आप काम करती हैं, मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और पिछला इस चुनाव से पहले मेरा एक हमारी सरकार का वो छोटा सा जो कालखंड बचा हुआ था, उस कालखंड में मुझे मुख्य सेवक का जो दायित्व मिला था, हमने कोशिश करी थी कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आशा बहनें हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, उन सभी का कुछ मानदेय बढ़ाएं, हमने कोशिश करी। और मुझे खुशी हुई कि जब रक्षाबंधन आया था उस बार तो कुछ बहनें मुझे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपने कुछ हमारे लिए किया तो है लेकिन अभी थोड़ा कम है, तो मैंने कहा कि अभी आगे निश्चित रूप से जो है उसको हम लोग सोचेंगे कि कैसे अधिक से अधिक हम आपके लिए कर पाए, अच्छा जो भी प्रबंध सरकार की तरफ से हो सकता है उसको हम कैसे आप लोगों के लिए करें,
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि संवाद बहुत बड़ी चीज है। कई बार संवाद नहीं होने के कारण से, कई बार बातचीत नहीं होने के कारण से आपस में बहुत सारी बातें वो हम लोगों तक पहुंचती भी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि उसको फीडबैक के माध्यम से लें, अन्य माध्यमों से लें, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। हमने कोशिश की है कि ऐसे कम्युनिकेशन गैप को हम लोग खत्म करें। मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपनी आशा बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हमारे उत्तराखंड के जितने भी कर्मचारी संगठन, सारे के सारे कर्मचारी संगठन कुछ बात करना चाहते थे, अल्टीमेटम दिया हुआ, तो मैंने कहा कि भी अल्टीमेटम देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग आइए, आपके साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे। हमने बात करी और बड़े अच्छे माहौल में सभी बातों पर एक एक करके चर्चा हुई। काफी सारी बातें ऐसी थी कि जो आसानी से हो सकती थी, कुछ पर आगे का लंबा उसमें प्रस्ताव था कि एक दिन में दो दिन में जिनका समाधान नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि इसमें हम कमेटी बनाते हैं, इसमें हम जो है बात करेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। उनकी भी समझ में आ गया और हमारी भी समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रदेश हमारा सबका प्रदेश है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रदेश नहीं है। कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये केवल मेरा प्रदेश है, धन सिंह जी बोल रहे हैं केवल इनका है, या हमारे खजानदास जी बैठे हैं, दिलीप भाई बैठे हैं तो इन्हीं का है, गामा जी यहां के मेयर हैं तो कोई इन्हीं का भी शहर नहीं है, शहर भी और प्रदेश भी हमारा सबका है। डिपार्टमेंट के हमारे सचिव बैठे हैं तो कोई डिपार्टमेंट भी अकेले इनका नहीं है, ये डिपार्टमेंट की देखने की जिम्मेदारी इनकी है। इनको आगे लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं अच्छी हों, उसके लिए धन सिंह जी काम कर रहे हैं, उनके नीचे पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसी प्रकार से मैं मुख्य सेवक हूं तो मेरे को जिम्मेदारी है कि मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए सबके उत्थान के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करूं। तो मैं सबका प्रतिनिधि हूं, ये काम आप ही लोगों ने हमें दे रखा है। तो ये यात्रा भी जो है, ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। और हम सब लोग जब मिलकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग सर्वोत्तम अपना काम करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले वर्षों में, 5 सालों में 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सरकार के स्तर पर जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं हम अच्छी जो कंसल्टेंसी है उनसे कुछ सलाह भी ले रहे हैं, अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, टूरिज्म में नई पॉलिसी लानी है नई ला रहे हैं, इंडस्ट्री में नई लानी है कुछ संशोधन करने हैं ला रहे हैं, है ना, जो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया काम करना है, बागवानी के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, हाइडिंग के क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में भी, जिससे हम राज्य की जो ग्रोथ रेट है उसको दुगुना कर पाए, तिगुना कर पाए। हमारी जीएसटी आज जितनी है उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। फिर हमारे डेवलपमेंट के काम भी होंगे, धड़ाधड़ होंगे, और जो हमारी बिल्डिंगें बनते बनते कुछ दिनों के लिए रुक जाती हैं, बीच में रुकावट आ जाती है, जो 5 साल में काम होने वाला है वो 10 सालों में होता है, कई 10 सालों में उसकी लागत ही दुगनी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये सब जो लाइन लॉसेज हैं, ये लाइन लॉसेज हमारे नहीं होंगे। और हम लोग जो सोच रहे हैं, और हम भी सब चाहते हैं कि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ, जहां अच्छा वायुमंडल हमको मिला हुआ है, अच्छा पर्यावरण मिला हुआ है, यहां पर वन है, नदियां हैं, हमारे यहां पर पर्वत राज हैं, हिमालय हैं, ग्लेशियर हैं, सब प्रकार की चीजें, नदियां हैं हमारे यहां, तो हम निश्चित रूप से जब भगवान ने हमको सब कुछ दे रखा है तो हमारे मन में भी यह कल्पना होनी चाहिए कि हम श्रेष्ठतम काम करें और श्रेष्ठ राज्यों में हिंदुस्तान के शामिल हों। और हम जो भी काम करें, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, आशा बहनें हैं या हमारी नर्सिंग की बहनें हैं या हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे चिकित्सक हैं, वो सारे के सारे ऐसा काम करें, इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि पूरे हिंदुस्तान के लोग कहें कि नहीं, उत्तराखंड के अंदर तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा स्वास्थ्य विभाग बना दिया, डॉक्टर धन सिंह जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इतना अच्छा काम हो गया, स्वास्थ्य सचिव राजेश जी के रहते हुए इतना काम हो गया, हमारे
डायरेक्टर लोगों के समय में इतना अच्छा काम हुआ था कि हर किसी का कालखंड याद किया जाता है कि इतने कालखंड में ये रहा और इसने काम किया। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जानते क्या किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी देश के अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं सारे प्रधानमंत्रियों द्वारा अपने अपने कालखंड में देश के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई है, गरीबों के लिए क्या किया है, विदेश नीति में क्या काम हुआ है, रक्षा नीति में काम क्या हुआ है, कृषि नीति में क्या काम हुआ है, उनके म्यूजियम बनवा दिए हैं। आप लोग जाइए देखने के लिए, वहां पर जहां तीन मूर्ति होती थी पहले वहां पर अब प्रधानमंत्री म्यूजियम बना हुआ है। कभी आप दिल्ली जाएं तो उसको देखकर आइए, आपको पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी मनमोहन सिंह जी तक के कार्यकाल का सब कुछ वहां पर मिलेगा। 2014 तक का सारा लगा हुआ है। मोदी जी का तो अभी चल ही रहा है सब, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो यशस्वी हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक हमारे देश को उनका नेतृत्व मिलता है। तो मैं आज के अवसर पर पुनः सभी को धन्यवाद करते हुए शुभकामनाएं देते हुए आशा बहनों को विशेष रूप से बहुत बधाई देते हुए और कोशिश करेंगे कि आशा बहनें भी हमारी जो है मुख्य धारा में दौड़े, उसके लिए जो भी सरकार के स्तर से अच्छा बन पड़ेगा हम उस दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।